जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने का प्रयास करा। पुलिस द्वारा बैरिकेटिंग लगाई गई, उन्होंने बैरिकेटिंग पर चढ़ के अपना विरोध जारी रखा और राहुल गांधी का पुतला लाया और उस पर उन्होंने चप्पल जूते चलाए और उसके बाद उस पुतले को उन्होंने आग लगाई। देखिए, तमाम जो कांग्रेसी हैं वो दूसरी ओर अपने कांग्रेस कार्यालय के बाहर लाठी डंडे लेके खड़े हुए हैं। उनसे ही बात करेंगे कि लाठी डंडे आखिर किस लिए लेके खड़े हुए हैं। आप लोग लाठी डंडा लेके कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़े हुए किस लिए खड़े हुए? देखिए, जिस प्रकार से आज भाजपा तानाशाही पे उतर आई है, कांग्रेस के हमारे सांसद राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से सदन में नरेंद्र मोदी जी अमित शाह से सवाल पूछे हैं, निश्चित ही भाजपा पूरी तरह बौखला गई है। नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से हिंदू का एक चेहरा मानते थे, राहुल गांधी जी ने कहा ये हिंदू के नेता नहीं है, भाजपा पूरे हिंदू के नेता नहीं है। राहुल गांधी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने का प्रयास करा, राहुल गांधी का पुतला जलाया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है आप लोग हाथों में डंडे लेके बाहर आ गए, क्या कानून हाथ में लेने वाले थे आप? नहीं, हम लोग गांधीवादी तरीके से, हम लोग गांधी जी के सिपाही हैं, गांधीवादी तरीके से, ये गांधी जी की लाठी है, ये लाठी हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और लोग पकड़े हुए हैं, इसी लाठी के माध्यम से अंग्रेजों को भगाया और जिन लोगों ने समाज को तोड़ने का काम किया उनका मुंह कुचलने का काम। आपसे सवाल था कि कांग्रेस पार्टी गांधी की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी, लेकिन लाठियां तो गांधी जी लाठी लगा, डराने का प्रयास था? कोई डराने का प्रयास नहीं, गांधी जी लाठी के माध्यम से अंग्रेजों को भगाया था और जो आतंकवादी हैं, जो बवाली हैं, उनको उनका मुंह कुचलने का काम लाठी कर। राहुल गांधी के बयान से हिंदू समाज की जो भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं? हिंदू समाज की कोई, उन्होंने हिंदू समाज के लिए नहीं कहा, उन्होंने भाजपा के जो लोग जो झूठ बोलते हैं और जो वो फैलाते हैं उनके लिए कहा, ये हिंदू के लिए नहीं कहा। और कह रहे हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए तमाम लोग भाजपा ही, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी केवल भाजपा ही है, केवल आरएसएस के लोग भाजपा ही है, केवल भाजपा ही हिंदू है, हिंदू समाज है। लेकिन वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए इस बयान पर, वो गलत कह रहे हैं, उनके कहने से क्या हुआ? और राहुल गांधी हमारे नेता है, देश के नेता है। नरेंद्र मोदी का भी पुतला बाहर जाकर जला दिया है। देखिए, ये नरेंद्र मोदी का पुतला जलाते हुए कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो नजर आ रहे हैं, तमाम पदाधिकारी जो है वो नरेंद्र मोदी का पुतला जलाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका, उसी प्रकार से आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जो है कांग्रेसियों ने फूंका है और उस पर लाठियां भी बरसाई हैं। पुलिस ने आनंद फानंद में इस पुतले पे पैर मार के और पानी डाल के आग बुझाई है। देखिए, तमाम जो कांग्रेसी हैं वो अभी भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, उनसे कोशिश करेंगे बात करें। नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप लोगों ने जी बिल्कुल फूंका है, राहुल गांधी का भी पुतला फूंका गया है। भाजपा वाले आए पुलिस के संरक्षण में, एक केंद्रीय मंत्री का दर्जा है राहुल गांधी जी को, तो पुलिस के संरक्षण में जो संवैधानिक बदले बैठे हुए हैं उनका पुतला फूंका जा रहा है, ये एक तरह से तानाशाही दर्शाता है। जवाब में आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका, बिल्कुल, क्या नरेंद्र मोदी हिंदुओं के ठेकेदार है, क्या आरएसएस हिंदुओं के ठेकेदार है? जो नरेंद्र मोदी करेंगे वही हिंदू दर्शाएगा। राहुल गांधी जी ने जब कल महादेव की फोटो दिखाई तो उसमें आपत्ति क्यों हुई भाजपा वालों को? हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता है, कहते हैं कांग्रेस गांधी की विचारधारा की पार्टी है, वहां पे राहुल गांधी का पुतला फूंका गया, यहां पे आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका, ईंट का जवाब पत्थर से दिया? नहीं, हम सच के साथ हैं। राहुल गांधी जी ने कहा डरो मत सहो मत, 100 मिनट के भाषण में जिसमें देश का हर मुद्दा उठाया गया, मणिपुर से लेकर नीट तक, हम सच की आवाज है, राहुल गांधी सच की आवाज है, और आप एक 10 सेकंड का क्लिप लेकर पूरे देश को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आज हम नहीं खड़े हुए तो ये देश नरेंद्र मोदी के झूठ में ढक जाएगा, हम नहीं होने देंगे ऐसा, हम सच के लिए हैं, सच के खिलाफ लड़ेंगे। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, हिंदुओं की भावनाएं आहत करी हैं? राहुल गांधी जी ने हिंदुओं को कहा हिंदू कभी भी हिंसा नहीं कर सकता, हिंदू कभी झूठ नहीं बोल सकता, गलत नहीं कर सकता। राहुल गांधी जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी हिंदू पूरा हिंदू नहीं हो सकते, भाजपा हिंदुओं का पूरा प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता, हम सब हिंदू हैं। तो वो जो झूठ वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या वो फंस गए हैं? अभी नीट का मुद्दा हुआ है, लगातार वो फंसे हुए हैं, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों को फेस नहीं
कर पा रहे, तुमको करना क्या झूठ फैलाना है, वो यही करते रहे, लेकिन अब बस, अब हम हर उनके झूठ के खिलाफ, हर उनके अन्याय के खिलाफ हम खड़े हैं और सामने से लड़ेंगे। सवाल एक फिर से उठता है, ये लोग कह रहे हैं जब तक राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम ऐसा ही प्रदर्शन करते रहेंगे, तो आप लोग भी उनका जवाब ऐसे ही देंगे? माफ़ी राहुल गांधी जी को नहीं, नरेंद्र मोदी जी को मांगनी है, हर युवा से मांगनी है, मणिपुर के हर नागरिक से मांगनी है, हर महिला से मांगनी है, हर घर से मांगनी है, हर किसान से मांगनी है। माफ़ी तो नरेंद्र मोदी जी को मांगनी है, क्योंकि कोई जवाब उनके पास नहीं है। जो राहुल गांधी जी ने 100 मिनट के भाषण में तमाम प्रश्न उठाए हैं, आप दीजिए उनका जवाब। आप झूठ क्यों फैला रहे हैं? आप प्रधानमंत्री होकर झूठ फैला रहे हैं। पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री हैं, वो ट्रोल कर रहे हैं, वो तो 11 सेकंड की क्लिप लगा के झूठ बोल रहे हैं। ये स्तर हो गया है केंद्रीय मंत्रियों का, ये स्तर हो गया प्रधानमंत्री का, ये स्तर हो गया कि आप झूठ फैलाएंगे। लेकिन अब जनता इस झूठ को समझ चुकी है। एक आखिरी सवाल, PCSJ का भी पेपर है, उसमें गड़बड़ी पाई गई है, क्या कहेंगे? इन्होंने तो हल्फनामा देकर मान लिया कोर्ट में कि कॉपियां बदली गई हैं, तो अब तो आधिकारिक हो गया ना कि बेईमानी हो रही है, गलत हो रहा है, अब तो कुछ नहीं बता, अब तो नैतिक आधार पर योगी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। मिराज वली जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उनसे भी बात करेंगे। पुतला फूंक दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उधर राहुल गांधी का पुतला फूंका गया है, क्या कांग्रेस पार्टी भी हिंसक तौर तरीके अपना रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल इसमें कोई हिंसा की बात नहीं। हमारे नेता का अगर वो हमारे कार्यालय पर आकर पुतला फूकेंगे तो उसके जवाब में अगर हमारे भी कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी जी का पुतला फूंक दिया तो उसमें गलत क्या है? हम उनके कार्यालय नहीं गए, वो हमारे कार्यालय हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, संसद में जवाब नहीं दे पा रहे हैं, नीट की परीक्षा से लेके सारी परीक्षाओं से लेके राम मंदिर की छत सब लीक हो रहा है, उस पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कहीं टर्मिनल लीक हो रहा है, कहीं हाईवे बैठा जा रहा है, जिस हाईवे का उद्घाटन मोदी जी 15 दिन पहले करते हैं वो बैठ जाता है, जिस पे फोटो खिंचवाते हैं, रील बनवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं, वो 15 दिन में बैठ जाता है, उस पर वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो वो हिंसा पे आए हुए हैं, वो हमारे कार्यालय आ रहे हैं, हमने उसके जवाब में दिया। योगी जी एक शब्द बहुत कहते हैं ना, जो जिस भाषा में समझेगा उसे समझाएंगे, तो कांग्रेसियों ने अभी ये ठान लिया है। तो जो जिस माने कि गांधी की विचारधारा आप छोड़ दिए? नहीं बिल्कुल नहीं। तो आप कह रहे हैं कि योगी जी का जवाब दे रहे हैं हम लोग? योगी जी का जवाब दे रहे हैं, उनके कार्यालय से उनके लोग हमारे कार्यालय पर आए, हमने उसका जवाब दिया है, इसमें गलत क्या है? पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में वो लोग यहाँ तक आ गए और उन्होंने राहुल जी का पुतला फूंक लिया, क्यों फूंक रहे हैं? राहुल जी ने ऐसा क्या कह दिया? राहुल जी ने यही तो कहा है कि नरेंद्र मोदी का मतलब हिंदू नहीं है, राष्ट्र की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी का विरोध करना राष्ट्र का विरोध करना नहीं है। खाली RSS, खाली भाजपा, खाली नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है, इस देश में 100 करोड़ हिंदू हैं जिन्होंने इस चुनाव में नकार दिया है, अयोध्या से नकार दिया है, ये उसकी खीज है, बिलबिलाहट है और कुछ नहीं है। ये माने कि कांग्रेस भी अब आक्रामक मूड में है? देखिए मैंने जैसा बताया ना कि वो जैसा करेंगे उसका जवाब निश्चित तौर पर देंगे, सब कुछ उनके पार्टी देगी, और जैसे वो बात करेंगे उस लहजे में बात करेंगे। राहुल जी ने लगातार ये बात कही है कि डरो मत, हम नहीं डरेंगे, पिछले 10 सालों में नहीं डरे हैं, अब भी नहीं डरेंगे। अगर वो इस तरह की हरकतें करेंगे तो निश्चित तौर पे उनका जवाब दिया जाएगा। ठीक है, साफ तौर पे जवाब दिया जाएगा। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, बड़ा प्रदर्शन हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी का पुतला फूंक दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्रिया पर प्रतिक्रिया होगी, हमने इनका पुतला फूंक दिया मोदी का, तो क्रिया गांधी पद पे बैठे प्रधानमंत्री हैं देश के, तो राहुल गांधी क्या सड़क छाप आपको लग रहे हैं क्या? वो भी तो संवैधानिक पद है, विपक्ष के नेता है, वो नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष है, आपने उसका पुतला फूंका तो हम उसकी प्रतिक्रिया में हम उन्हें मोदी का पुतला फूंका। और एक बात बताइए, इसका जवाब पत्थर से दे? नहीं, इसका जवाब पत्थर से इसलिए देंगे ना क्योंकि आपने 10 साल में किया क्या? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई से देश की जनता को महरूम रखा। राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया है जो आपका पुतला फूंक रहे हैं? उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा है ना कि बीजेपी वाले हिंदू नहीं है, इसका मतलब वो सारे 142 करोड़ों को घसीट लेगा नरेंद्र मोदी। देश की जनता तुम्हें समझ चुकी है, सुन लीजिए, मांगनी पड़ेगी राहुल गांधी को, सुन लीजिए, माफी मांगेंगे, माफी मांगेंगे, आयो माफी मांगेंगे, माफी मंगवाने वाले मर गए, सुनिए पूरी बात।
दस साल तक कोई काम नहीं किया है इन्होंने। किस बलबूते पे इन्होंने राहुल गांधी का पुतला फूका और हमने सैद्धांतिक पुतला फूका कि हमको हमको हर चीज से महरूम रखा गया देश की जनता ने, देश की जनता को, इसीलिए आपको 240 पे लाकर पटक दिया। और आज आप उसी में अटके हुए हैं कि हमारी बहुमत। तुम बहुमत में नहीं हो, तुम अल्पमत की सरकार हो। और दो आप जो विपक्ष है वो मजबूत है, कहने का मतलब ये है, ठीक है? आप माफी वाली बात पे कुछ कह रहे थे। देखिए, राहुल गांधी जी ने बहुत पहले बता दिया है, भाजपा को स्पष्ट शब्दों में संदेश दिया है कि मैं सावरकर गांधी नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी हूँ, किसी भी तरह से माफी नहीं मांग सकता हूँ। इसलिए जब उन्होंने कोई गलती किया ही नहीं है तो माफी का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, देखिए साफ तौर पे जो कांग्रेस के लोग हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका और उनका कहना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी का पुतला फूका गया उसी के विरुद्ध हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी पुतला फूका और राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।